आप कहाँ से आए? मैं गांव नाया जिला अलीगढ़ तहसील इगला से। आपके घर का कोई सदस्य? मेरा भाई है लक्ष्मण शर्मा, उनकी घरवाली अनाम का, उनका लड़का है रुद्र, उनकी लड़की है नैन्सी, चार प्राणी जा चुके हैं और जो है दीपक जलाने वाला भी घर में कोई नहीं बचा। पूरा परिवार तबाह हो गया, जमीन जाया सब खत्म, घर पे कोई नहीं रहा। दादा दादी है इन बच्चों का? माँ है जो फाले से, आपकी माँ है? माँ है, फाले से पड़ी रहती है 8 साल से फाले से। उनको बताया आपने? अभी नहीं बताया, घर से अभी आप ही आए हैं। हाँ, किस वक्त आपको पता चला? बड़ा भाई है यहाँ पर, शास्त्री जी है बालकृष्ण शास्त्री जी। किस वक्त पता चला था? 4 बजे करीब पता पता। कैसे पता चला? बड़े भाई ने कॉल किया था, उन्होंने बताया। और भी लोग हैं जो गांव के आसपास? गांव के भी हैं, हमारे पड़ोसी हैं राजा है, उनके भी दो मम्मी पापा खत्म हुए हैं, उनके भी बच्चा खत्म हुए हैं। मोहन सिंह है मेरा। क्या आपके भी परिवार के कुछ लोग? हाँ, हमारे मामा जी एक्सपायर हुए, एक उनका बेटे का एक नाती उनका एक्सपायर हुआ। क्या उम्र जो है मामा जी की 70 साल थी, उनका बेटा एक जो एक्सपायर हुआ उसकी 10 साल। कहाँ के रहने वाले? नाया के। और भी कोई इनके साथ था? हाँ, और भी है, गांव के काफी लोग हैं। तो आप अभी इनको इनके शव को लेने आए? लेने के लिए आए हैं। अब कहाँ से आए? हम लोग, हमारे ये मामा जी थे, हम तो बठन कला से आए, तो कल पता चला था, तो कल न्यूज़ से ही पता चला था, तो तभी तुरंत हम लोग गाड़ी लेके चल दिए थे, अभी इनको लेके जा रहे हैं। जो बस में जो लोग साथ में आते हैं, रिश्तेदार थे आप लोग? हाँ, आपस में रिश्तेदार, कुछ गांव के कुछ ऐसे बुला लेते हैं, जी आइए हम घूमने चल रहे हैं, वो उस तरह से सब एक ही उसमें जो है बुला के और ना हो। मामा जी थे हमारे ये। और सर मेरा विजय डागर है। कहाँ से? सर मैं हरियाणा से हूँ, ये यूपी से हैं। जो बस एक्सीडेंट हुई है जिसमें से 22 एक्सपायर हो गए हैं, बाकी इंजर्ड हैं, फ्रैक्चर सभी को लगभग हैं, काफ़ी सीरियस भी हैं अभी। और आपके घर का कौन था? मेरे बेटे का साला था। बेटे का साला? हाँ जी। दांतों की? नहीं, वो अभी ठीक है, और वो पेल्विस का फ्रैक्चर है, अभी ठीक है, एडमिट है, हम उसको डिस्चार्ज करा के घर ले जाएंगे। आप यहाँ पर ऐसे ही देखने आए हैं कि क्या हुआ? लेने भी आए हैं मैडम, सब रिश्तेदार यहाँ पास में, वैसे जानकार के हैं, सब जानकार के हैं जो 22 लोगों के। जी जी जी, एक ही गांव के हैं लगभग सारे। एक ही गांव? जी। क्या कहना चाहेंगे इस बड़े हादसे? मैडम देखिए, ये परमात्मा का हुआ है, इसमें किसी का दोस्त तो नहीं है। या तो ये कह लो कि बस के ड्राइवर को, एक ही ड्राइवर था जो बस को वहाँ से ड्राइव करके ला रहा था, रात को भी दिन को भी, कि पता नहीं उसको नींद आई है, झपकी आई है, क्या हुआ है, या ओवरटेक करने से हुआ है, ये कह नहीं सकते। आप जोड़ के हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इनकी डेड बॉडी जो हुई है इनको एसी कोच में भिजवाया जाए, ताकि इनमें बॉडी शरीर खराब ना हो, बदबू ना हो, ताकि इनका घर जा करके आसानी से अंत्यसंस्कार किया जा सके।